से, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे अभी की बात हो कि एक स्टेप लिखी थी, राइटिंग एसोसिएशन में आई थी मैं रजिस्टर कराने के लिए, और मुझे अंजुम जी वहाँ मिले थे लिफ्ट में, और उन्होंने मुझे देख के कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, कोई अच्छा रोल ही नहीं लिख रहा है, तो मैंने खुद लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा नहीं 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 आपको यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि आप एक्ट्रेस हैं, ये सिर्फ राइटर्स की जगह है। तो मैंने कहा मैं भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के बीच में घूमने की, और अगर आप लोगों की इजाज़त रही तो अपना काम लोगों तक पहुँचाऊँगी। और उनका प्यार है कि उन लोगों ने काफ़ी सराहाया मुझे, और आज यहाँ तक कि यहाँ पहुँचा दिया, जहाँ SWA मुझे मतलब एक अवार्ड से सम्मानित कर रहे, इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती मेरे लिए, खुशी थी। मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, पर्टिकुलर तो कोई होता नहीं है, मुझे लगता है सबके मिलके ही एक चीज़ बनती है। और राइटिंग एसोसिएशन में इतने लोग इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों ने ज्यूरी ने ये चुना होगा, कुछ फिल्मों को चुना होगा, ऐसा नहीं है कि जो फिल्में चुनी गई हैं वही बेहतर बनी हैं, बाकी फिल्में नहीं बनी हैं, बट हमें कुछ खास एक मेंशन देने होते हैं, तो मुझे चुना है उसके लिए तो मैं तहे दिल से पूरी ज्यूरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, SWA का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि राइटर्स के लिए इतना एक अलग से एक जश्न दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि होता क्या है कि वो जो मेन अवार्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है बहुत जल्दी, मतलब सिर्फ स्टार्स और एक्टर्स जो मेन रह जाते हैं या डायरेक्टर रह जाते हैं, उससे पहले के सारे अवार्ड्स बहुत ऐसे निकल जाते हैं, आप दिमागों से निकल जाते हैं। एक स्पेशल मेंशन करना राइटर्स को, ये मुझे लगता है सबसे खूबसूरत बात है, क्योंकि कुछ भी हम बनाएं उसकी जड़ जो है वो राइटिंग है, अगर राइटिंग ही अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ बना नहीं सकते, चाहे कितने भी बड़े डायरेक्टर हों, बिना स्क्रिप्ट के तो स्टोरी बनती नहीं। तो मुझे खुशी है कि ये बहुत अलग से एक मेंशन किया गया है, एक अलग से अवार्ड बनाया गया है राइटर्स के लिए, जो बहुत बड़ी ताकत बनेगा राइटर्स की। मुझे लगता है अच्छी स्क्रिप्ट लिखने के लिए आज जिन जिन लोगों को अवार्ड्स मिले, मैं तो एक एक्ट्रेस हूँ तो इसलिए शायद सेटिस्फेक्शन कहीं और भी मिल सकती, मगर जो सिर्फ राइटर्स हैं और सिर्फ जो यही काम कर रहे हैं उनके लिए तो ये कमाल की बात है कि उन्हें बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा इससे। बिल्कुल कहना चाहेंगे, आज आज जो प्रोग्राम हुआ है राइटर्स एसोसिएशन का, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, पहली बार ऑफलाइन हुआ, और जो लोगों का रिएक्शन आया और इतना अच्छा मुझे लगा, तो आगे ये बेटर ही होता जाएगा, हम इससे अच्छे प्रोग्राम करेंगे और बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, और ये राइटरों को एक कमाल का पावर देगा, एक कमाल का कमाल की इज्जत देगा और उनकी शक्ति और बढ़ाएगा। मेरी शुभकामना सारे विनर्स को, ऐसे ही अच्छे सब्जेक्ट लिखते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक यू वेरी मच। उड़ूँ तो ऐसे के हो आसमान को हैरत, गिरूँ तो यूँ कि दूर तक जमीन दहल जाए। SWA हमारी जिद है कि हमारा काम, हमारे काम करने के तरीके माने जाएं, सराहे जाएं, चाहे जाएं और सम्मानित किए जाएं। उसकी ये पहली ऑफलाइन कोशिश थी, टोटलिटी तीसरा अवार्ड था लेकिन ऑफलाइन पहली कोशिश थी और कामयाब कोशिश थी। हर गुजरते साल के साथ, हर गुजरते ईयर के साथ ये अवार्ड बेहतर से बेहतर होता चला जाएगा, और एक दिन आएगा कि इस अवार्ड को देखने के लिए, इस अवार्ड को हासिल करने के लिए लोग लाइन में लगे खड़े। वाह, आप बताइए। बस ये अवार्ड फंक्शन बहुत अच्छे से हुआ, जिस तरह से हम चाह रहे थे उससे भी बेहतर तरीके से हुआ, और अगली बार हम इससे बेहतर करेंगे, और सारे विनर्स को तो मुबारकबाद है ही हमारी तरफ से, जितने नॉमिनीज हैं उनको भी मुबारकबाद, बिकॉज इतने इतने स्क्रिप्ट्स में छन के वो आए हैं और हमने बेस्ट चुना था, और जितने भी नॉमिनीज हैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ में मैं अपनी टीम, जो EC की टीम है, हमारे SWA की टीम है, उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस काम के लिए, इस अवार्ड के लिए रात दिन मेहनत की थी और आज उसका हमें बहुत अच्छा फल मिला। थैंक यू। थैंक यू।
साथ में हमारे ये भी दानी जावेद साहब भी थे, जो इनका नाम भी जावेद अख्तर, तो दो दो जावेद अख्तर मेरे दाएं बाएं थे और बड़ा अच्छा लग रहा था और बहुत मज़ा आया। ये वाकई इज्जत वाली बात थी कि जावेद अख्तर साहब के हाथ से अवार्ड मिला। सबके सामने ऑडियंस में बोल दिया कि जावेद साहब और शबाना जी का आना और हमारे साथ इतना समय बिताना, उन्होंने बहुत हमको इज्जत दी। इतने बड़े राइटर, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, गॉड ब्लेस देम। उन्होंने राइटरों की इज्जत बढ़ाई है क्योंकि वो खुद राइटर है और खुद इज्जत करना जानते हैं। कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, डेब्यूटेशन अवार्ड है, बेस्ट फिल्म फिल्म कैटेगरी में अवार्ड है, टेलीविजन में है, ओटी में है, सब कुछ है, एडॉप्टेशन का है, सारी भी हमारे पास पीआरओ आपको दे देगा और उसमें देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में क्या क्या अवार्ड दिए। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि सारे नॉमिनीज को कॉन्ग्रेचुलेशन है, मुबारकबाद है, लेकिन विनर्स चुनने का तरीका हमारा बड़ा अनोखा और बहुत कमाल है और उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल हमें जवा साहब का अवार्ड चुनने में होगा क्योंकि जवा साहब विदिनेस जब हुए हैं। वो अवार्ड जो मेरी बात में जूरी से बात हुई तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल गया कि सबसे ज़्यादा उस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मैरिट पे अवार्ड वो है, लेकिन सवाल ये है कि वो SWA का जनरल सेक्रेटरी थी, बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन वहाँ जूरी को जो इंस्ट्रक्शन थे और जूरी ने उनको फॉलो किया कि मर्सीलेस, अंजुम रजवली साहब ने बड़ा अच्छा जुमला बोला था कि मर्सीलेस चुना जाए और वो चुना है 100% चुना है। एक बात, दूसरी बात, हम लोग SWA जावेद साहब शबाना जी और हमारे जितने गेस्ट थे उनके लिए बड़े शुक्रगुजार हैं, बेचारे एक आवाज़ पे सब लोग। थैंक यू वेरी मच। That's a very broad question. Inspires you in life, inspires you in a role, inspires you in what? Anything can inspire one, but and maybe someone that might have inspired you. So that's a different thing that you have to know. Excellence inspires me. People inspire me. Many people have inspired me. My father, Kathy Asby, who's a writer, is somebody who's inspired me. Shyam Benegal, the director, has inspired me a lot. Of the women with whom I work in the slums inspire me. So it's a very broad question. Yes, ma'am, I get that. But surely you are an inspiration to me. Thank you. Just one more question, like, how do you feel about an award that is made for the writers and by the writers? Well, I'm extremely happy because as an actor, I realize that it is the writer to who I owe my performance. I mean, definitely in film, the director is the captain of the ship. In the theater, they say the actor is the captain of the ship, and the television is writer. But for me, coming from a writer's family, for me, the most important thing is the script. And I think this is a very important award because it is given by your peer group. And to me, there is no better tribute that can be paid to you except that your peer group admire what you do. And I owe everything to the writer, having coming from the daughter of a writer, the wife of a writer, the daughter-in-law of a writer. What more can I say? नहीं दिया जाता। कब ऐसा होता है? ऐसा कभी नहीं होता। ऐसा कभी
blasphemous thing that you can do, because it's the writer who creates. It's the writer who creates. If there is any performance of mine that you would like, it is because the character that has been written for me by the writer is the one that gives me a chance to inhabit her world in a way that it relates to the audience. सबसे पहली बात तो ये है कि राइटर्स को जो अहमियत दी जानी चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं दी जाती। जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं वहाँ पे जब राइटर को बुलाया जाता है तो ऐसे बुलाया जाता है जैसे कि एक जो है थर्ड कैटेगरी का अवार्ड दिया जा रहा है। तो ऐसे में और कौन लोग चुनते हैं, कैसे चुना जाता है वो अवार्ड, और कितना जो है उसमें करप्शन है, कितने इन्फ्लुएंसेस काम करते हैं, बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के अपने प्रेशर्स। तो होता ये था कि जो मेरिट बेस्ड होना चाहिए वो अवार्ड होता नहीं। तो इसलिए SWSC ने सोचा कि ऐसा अवार्ड जो राइटर्स जो है खुद ही तय करें अपने कलीग्स के लिए, और टोटली मेरिट बेस्ड अवार्ड जिसमें ये, क्योंकि क्या है अवार्ड देने का जरूरत क्यों पड़ती है, अवार्ड्स इसलिए दी जाते वो पैरामीटर बनना है कि अच्छा काम क्या हो, और वो पैरामीटर तय करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अवार्ड मेरिट बेस्ड हैं या नहीं। और इसलिए ये पहल जो है, ये इनिशिएटिव जो है वो ज़रूरी भी था, और जाहिर है कि एक हम सब राइटर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। और एक बात और बताऊँ कि जो राइटर्स को आप प्रोत्साहन देने की करेंगे तो उससे थोड़ी क्वालिटी अच्छी है। सर, मोर ऑन दैट, एनी एडवाइस सर आप देना चाहेंगे? अरे यार, मैं क्या एडवाइस दूँ, लेकिन ये है कि यही है कि अभी वो सब्जेक्ट जो सोशली रेलेवेंट हों, वो सब्जेक्ट जो समाज की जरूरत को रिफ्लेक्ट करते हों, और जो कंटेम्प्रेरी रियलिटी है उसको जो है ऑब्जेक्टिवली असेस करते हैं वो ज़रूरी है, और वो राइटर जो है तभी अच्छा लिख पाएंगे जब ये चीज़ें ध्यान में रखें। और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक वन लास्ट क्वेश्चन बाकी मेंबर्स के लिए, वन फीलिंग दैट यू वुड लाइक टू पुट आउट? ओह माय गॉड, आई मायसेल्फ एम अ मेंबर, आई थिंक वेरी थ्रिल्ड अबाउट, वेरी वेरी इन माय बेस्ट। Thank you so much. Writing, regardless of what the circumstances are, if you are writing, regardless of how bad it is, regardless of how good it is, making it good is what the process is. And once it never ends, and just submitted, and then what shape or form it takes, and it's just our job is done. So. लिखी नहीं थी,
तीन स्क्रिप्ट लिख डाली तो दे रहा हूँ दूसरों को। और यहाँ तक अपने काम के बारे में खुद बात करने का कोई मतलब नहीं, वो दूसरे डिसाइड करेंगे ठीक है कि नहीं, या दूसरों ही ने डिसाइड किया है तो ठीक था कि नहीं था। पढ़ो जितना हो सके, आप अगर स्क्रीन प्ले राइटर बनना चाहते हैं जितना फिक्शन हो सके आप पढ़िए, और फिक्शन हर तरह का पढ़िए, क्लासिकल भी पढ़िए और बेस्टसेलर भी पढ़िए, और जो पेपर बैक नॉवल्स होते हैं जो कि आपको स्टेशन पर मिलते हैं वो भी पढ़िए, थ्रिलर भी पढ़िए और सीरियस बुक भी पढ़िए, दोनों पढ़िए। ज़्यादा लिटरेचर सीरियस पढ़ने से आप ड्राई हो सकते हैं, और सिर्फ अगर आप लाइट लिटरेचर पढ़ेंगे तो आप फ्लिपेंट हो सकते हैं, दोनों पढ़िए। जितना इनटेक चाहिए ना आउटपुट से पहले, हम लोग एक ये नहीं होना चाहिए जैसे कहते हैं इनग्रीडिंग, डोंट लर्न फिल्म राइटिंग ओनली बाई वॉचिंग फिल्म, योर सोर्सेज शुड बी डिफरेंट, ओनली देन यू विल बी एबल टू ब्रिंग न्यू थिंग। दैट्स ऑल आई हो गया काफ़ी विषय आगे क्या मैं एक नहीं बहुत है, देर आर ग्रेट राइटर, आर यू टॉकिंग ऑफ नॉवलिस्ट, यू आर टॉकिंग ऑफ स्क्रीन प्ले राइटर, यू आर टॉकिंग ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर, यू आर राइटिंग ऑफ पोएट जी। मेरा मोटिवेशन कुछ फिल्में थी लेकिन लिटरेचर भी था। व्हेन आई वाज यंग आई वाज अ वोरशिप रीडर, बहुत पढ़ता था मैं, तो आई वाज अ ग्रेट एडमायर ऑफ राइटर्स लाइक से कृष्ण चंद्र, शरद बाबू, राम सिंह बेदी, द ग्रेट राइटर। तो एक तरफ इन लोगों को पढ़ता था, दूसरी तरफ जैसे फिल्म थी दो बीघा ज़मीन, साहब बीबी गुलाम, डी आर चोपड़ा की फिल्म के कानून, अख्तरुल ईमान के डायलॉग, या इस तरह के बहुत अच्छे बड़े बड़े डायलॉग राइटर पैदा हुए थे। बेदी साहब बहुत अच्छे डायलॉग राइटर, राम सिंह बेदी। मेरा फेवरेट राइटर एक कोई नहीं रहा, बहुत सारे राइटर मैंने अप्रिशिएट किए, लेकिन अगर मुझे किसी का नाम लेना ही होगा तो मैं कृष्णचंद्र, आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ कृष्णचंद्र, ही वॉज अ उर्दू राइटर, उनकी किताबें हिंदी में भी अवेलेबल हैं और बहुत कमाल कर। क्योंकि लेखक जो होता है वो किसी भी फिल्म की आत्मा, तो
शरीर कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो उसे मृत माना जाता है, और मृत शरीर का या तो उसको दफन कर दिया जाता है या उसको दहन कर दिया जाता है। तो आप आत्मा को सेलिब्रेट कर रहे हैं और राइटर्स एसोसिएशन की बात है, तो मुझे लगता है कि अब ये कहीं ना कहीं आपने जो प्राण होते हैं लेकिन उसकी दिशा में उसके उसको पुरस्कृत और पुरस्कृत करने की दिशा में प्रयास किया, तो ये बहुत अच्छा आनंद का विषय है। और साथ में ये आनंद का विषय है कि रिंपा जी अभिनेत्री के तौर पर हम इनसे मिले थे, लेकिन ये राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और अपनी पहली फिल्म में इनको 5 नॉमिनेशन मिले थे, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो निराकार को साकार कर दे वही कलाकार है। तो हमारे जितने भी भाव होते हैं वो सब निराकार होते हैं। अगर आप प्रेम की बात कर रहे हैं तो प्रेम आप अगर कोई कहे कि कैसा होता है तो आप उससे ये कहेंगे कि मैं आपको एक्सपीरियंस करा सकता हूँ लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप किसी से नफरत की बात करें तो आप कहेंगे कि एक्सपीरियंस करा सकते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो जितने भी भाव होते हैं वो निराकार होते हैं, उनको साकार करने का जो हुनर होता है वो लेखकों के अंदर होता है और वही कलाकार होते हैं। मैं लेखकों से सिर्फ यही कहूँगा कि भाव भाषा इनके बीच में अगर आपका अमृत योग हो जाए, इनके बीच में अगर आपकी अच्छी जुगलबंदी हो जाए तो फिर आप ये मान के चलिए, क्योंकि अभिनेता तो विस्मृत किए जा सकते हैं लेकिन जो लेखक होते हैं वो सदैव स्मृति में बने रहते हैं। क्योंकि हमारी अपनी बिरादरी, हमारे अपने राइटर्स, हमारे अपने कलम नवाज को जब नवाजते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि राइटर्स जब एक दूसरे राइटर्स को पसंद करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उनको अवार्ड देते हैं, वो मुझे लगता है सबसे बड़ा अवार्ड होता है। क्योंकि जानकार लोग जो लेखनी को जानते हैं, जो स्क्रिप्टिंग को जानते हैं, जो स्क्रिप्टिंग के क्राफ्ट को जानते हैं, वो ये अवार्ड दे रहे हैं तो उसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। सो इट हैज़ सर्टन काइंड ऑफ वैलिडिटी। सो क्राफ्ट को जानने वाला आदमी दूसरे क्राफ्ट को जानने वाला इंसान को जब नवाजता है तो बहुत बहुत बड़ी घटना है। तो आई सिंसियरली विश ऑल द नॉमिनीज एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड ग्रेट वर्क SWA इज डूइंग ग्रेट वर्क। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी तरह उनको ईश्वर शक्ति देते रहे SWA को। थैंक यू वेरी मच। मेरे फेवरेट राइटर मेरे अलावा मुझे विजय आनंद बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे कितने राइटर्स हैं, मतलब मुझे भी सुल्तानपुरी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे साहिर साहब अच्छे लगते हैं, मुझे आनंद बख्शी बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे मुझे अबरार अलवी, विजय आनंद, ये सब राइटर्स ने मुझे बड़ा इम्प्रेस किया। कभी कभी गुलजार साहब भी इम्प्रेस कर देते हैं, करते रहते हैं अभी भी। ब्रजेंद्र गौर ने मुझे इम्प्रेस किया। और साहित्य में प्रेमचंद वगैरह तो है ही, शरद जोशी ने बड़ा बहुत इम्प्रेस किया। शरद जोशी ने फिल्में लिखी उसने भी काफ़ी इम्प्रेस किया। और नए राइटरों में मतलब 70s के बाद में जो नई सिनेमा जो बनी उसमें विजय तेंदुलकर ने काफ़ी इम्प्रेस किया। तो ये सारे राइटर्स मुझे अच्छे लगते हैं। मेरा फेवरेट डायलॉग मेरा वाला या किसी का भी, मेरा वाला तो सबसे फेवरेट डायलॉग मुझे मेरा वही है जो यस बॉस फिल्म में था कि दो कमज़ोर इंसान एक कामयाब जिंदगी कभी नहीं बना सकते। थैंक यू। नॉमिनेट हुई थी स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग के लिए और कहानी और पटकथा के लिए अवार्ड मिला डेब्यू का, तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आप किसी भी उम्र में डेब्यू कर सकते हैं। ये एक्चुअली सभी के लिए एक मेरे ख्याल से प्रेरणा है कि इट्स नेवर टू लेट। कुछ भी अगर नया शुरू भी करना है तो उसकी कोई उम्र नहीं होती। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी। और ये पटकथा का काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इस त्रिभंग की पटकथा पे मैंने बहुत बहुत साल काम किया, कुछ 6 साल काम किया, उसके बाद वो वैसी हुई जैसे आपने फिल्म में देखी। सो आई एम जस्ट सो हैप्पी। एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू द
धन्यवाद देना है क्योंकि उन्होंने मेरा चयन किया एज अ विनर ऑफ बेस्ट स्टोरी एंड बेस्ट स्क्रीन प्ले. और बेसिकली SWA अवार्ड्स का भी तहे दिल से शुक्रिया क्योंकि इतना काम रहता है ये अवार्ड्स इस पर्टिकुलर अवार्ड के पीछे. सारे कैटेगरीज टेलीविजन के खास तौर से म्यूज़िक ये सारी कैटेगरीज बहुत मुश्किल होता है लेकिन वो हर साल ये प्रयास करते हैं कि राइटर्स को उनके जो भी मेहनत है उसका फल मिले. सो उनका सच में बहुत बहुत शुक्रिया. और सिद्धार्थ मल्होत्रा जो मेरे प्रोड्यूसर हैं त्रिभंग के, मुझे लगता है कि उनके बिना त्रिभंग किसी को देखने को नहीं मिलती, तो ख़ास तौर से मैं उनका जिक्र करना चाहती हूँ. टू थैंक यू रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर दिस. थैंक यू सो मच मैम, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. तो ये अवार्ड बेसिकली बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ द मूवी के लिए मुझे मिला हुआ है. मेरा फौजी कॉलिंग ये शकील साहब शकील आजमी जी को मिला है, राइट. एंड मैं उस फिल्म का डायरेक्टर हूँ, राइटर डायरेक्टर. और ये उनके पुत्र हैं, राइट, शकील भाई के. तो ये जो अवार्ड लेने आए हैं, तो मैं चाहूँगा पहले ये कुछ बोलें और फिर मैं बोलूँगा. मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ ये इस अवार्ड से जुड़े हुए हैं इनका, SAW का और बाकी तमाम मेंबर का और हमारे डायरेक्टर साहब आर्यन सर. थैंक यू, थैंक यू. बहुत कम शब्दों में बातें ख़त्म कर दूँ, बेसिकली शकील भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. और मैं इस जो सॉन्ग जो जिसके लिए हमको मिला है उसका टाइटल मतलब सिग्नेचर लाइन है, सपनों का जहाँ है पापा मेरा आसमान है पापा. तो जब मेरा फौजी कॉलिंग मैं लिख रहा था तो मुझे एक ऐसे राइटर की ज़रूरत थी जो मेरे अंदर के थॉट को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके थ्रू सॉन्ग के लिए. तो शकील भाई को मैंने मेरे पास बुलाया था और सबसे बात ये थी कि शकील भाई ने ये गाना सिर्फ 2 घंटे में लिखा था. क्या बात. मैं ऑफिस में ही था और मैं बाकी के हमारे प्रेप चल रहा था, प्री प्रोडक्शन चल रहा था, तो मैंने शकील भाई को बोला कि बाबा. तो शकील भाई ने मुझे एक साइन लाइन दी, मैंने कहा अच्छी है. और फिर उन्होंने अंतरे बनाने शुरू किए. उन्होंने इस गाने लिखने के दौरान उन्होंने 3 चाय पी और 3 चाय लिखने के बाद एक इतना मीठा गाना बना दिया, इतना मीठा गाना. मुझे लगता है ये ताउम्र बचता रहेगा क्योंकि ये एक ऐसा सॉन्ग है जो अभी एक बेटी की तरफ से एक बाप को डेडिकेटेड किया गया, डेडिकेट हुआ है. अभी तक फिल्म आपने जितने गाने सुने वो सब माँ को डेडिकेटेड है, राइट. माँ, इसमें कोई शक नहीं, माँ तो माँ है, उसकी तुलना क्या की जाए. बट फादर की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, एक पिता की अहमियत क्या है, तो इस गाने के ज़रिए आपको पिता की अहमियत का पता चलेगा. और शकील भाई ने बहुत ही खूबसूरती से इस गाने में पिता की अहमियत को, उसकी प्यार को, उसके बलिदान को बहुत अच्छे से उतारा है. उस अंतरी की कुछ लाइनें मैं आपको बताना चाहूँगा. उसमें एक अंतरी की लाइन है, मैं रोऊं तो मुझे हंसा के खुशियों से भर देते हैं, मेरे आंसू हाथ में लेके पापा जुगनू कर देते हैं, रहते हैं नींदों में छुपके पापा मुझ में सोते हैं, मैं भी नहीं होती हूँ फिर भी पापा मुझ में होते हैं, पापा जैसा कोई नहीं है, नहीं है वैसा कोई नहीं है, खुशियों का जहान है पापा, मेरा आसमान है पापा, मेरा आसमान है पापा. तो शकील भाई थैंक यू सो मच. एंड ये सॉन्ग, ये अवार्ड एक्चुअली मैं मेरे पापा को डेडिकेट करता हूँ जो अभी इस दुनिया में नहीं है, और वो लास्ट ईयर वो एक्सपायर हो गए. तो पापा ये अवार्ड आपके लिए है. एंड थैंक यू शकील भाई, आपने इतना प्यारा गाना लिखा. मालूम नहीं था पापा इतनी जल्दी चले जाएंगे, बिकॉज ही वॉज वेल, बट ठीक है, जो ईश्वर की मर्जी. एंड आई एम सो हैप्पी, थैंक यू स्क्रीन राइटर एसोसिएशन जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया एंड हमारे गाने को उन्होंने सिलेक्ट किया. थैंक यू सो मच अंजुम रजावली जी एंड रेस ऑफ द गेस्ट जो है जावेद साहब जिन्होंने अपने हाथों से ये अवार्ड हमको दिया है. तो नो डाउट ये पल मेरी जिंदगी के लिए यादगार पल है क्योंकि ये मेरी डेब्यू फिल्म थी और डेब्यू फिल्म में जावेद साहब के जरिए मुझे अवार्ड मिला. इसके लिए थैंक यू सो मच शकील भाई. एक्चुअली
हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मतलब एटलीस्ट एक तो कर रहे थे लेकिन दो तो बिल्कुल नहीं करते हम लोग। हाँ, स्पेशली डायलॉग राइटर्स हम दोनों हैं नहीं, तो हम लोगों को वो था कि कहानी जैसे मूव करती है जितने मिनिमम डायलॉग सही होते हैं हमने उतना लिखा। कुछ ऐसा नहीं था कि ये डायलॉग लिख देंगे कल को टी शर्ट पर छप जाएगा, वो वैसा कुछ मोटिव नहीं था। तो उसके लिए तो मतलब SWO को हम थैंक यू करना चाहेंगे कि हमें आज पता चला कि हम लोग डायलॉग राइटर्स भी हैं, तो थैंक्स अ लॉट। सर आप SWA कमेटी को कुछ बोलना चाहेंगे? SWA कमेटी को यार मतलब उनको ऐसे अवार्ड फंक्शन करते रहना चाहिए, वो जो वर्कशॉप्स करते हैं वो करते रहना चाहिए, क्योंकि जेन्युइनली एक राइटर काफ़ी इनसिक्योर होता है, उसकी रीच काफ़ी कम होती है, मतलब लेटर में सबसे नीचे आता है, सबसे पहले काम करता है, तो वो एक होप चाहिए होता है एक राइटर को जो SWA की वजह से मिलता है। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट SWA कीप डूइंग सो मच वर्क एंड ऑब्वियसली अवार्ड मिला है यहाँ पर, तो अभी बहुत ज़्यादा खुश है, अंदर से प्रेस भी बड़ी हुई है थोड़ी सी। समझ से भी नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, बट डेफिनेटली दो अवार्ड नहीं सोचे थे, एक की थोड़ी सी होप थी कि शायद कुछ किया है तो एक मिलेगा, बट दो सीरियसली यस सो है। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। फिल्म का जो असली जो रीढ़ की हड्डी है वो राइटर होता है, और स्क्रीन राइटर राइटर्स एसोसिएशन अब इतनी एक्टिव हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, और आई थिंक आफ्टर पैंडमिक हम पहली बार ये इन पर्सन कर रहे हैं, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। और अंजुम एंड रोबिंदा इन सबकी मेहनत और पूरी एसोसिएशन की मेहनत, आई एम वेरी एक्साइटेड दैट। सर लाइक what are some of your favorite writers that you would love to see recognized? बहुत राइटर हैं, मतलब एक के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता, पर मेरे बहुत फेवरेट राइटर्स हैं, एंड लेट्स सी कि किस किस को क्या मिलने वाला है, क्या क्या अवार्ड मिलने वाले हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ अपकमिंग बडिंग स्क्रीन राइटर लाइक स्टूडेंट हु इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ कॉलेज? स्टार्ट राइटिंग, बिकॉज यू हैव टू कीप राइटिंग, राइटिंग इज मोर अबाउट री राइटिंग। और जो राइटिंग में सबसे बड़ा जो ट्रैप मेरे लिए होता है, और जो आई थिंक मोस्ट ऑफ सब स्क्रीन राइटर्स के लिए होता है, वो ये होता है कि आप जब दूसरे का काम पढ़ते हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, आप उसमें वो कमियाँ ढूंढ लेते हैं, पर जब आप खुद लिखते हैं तो आप वही कमियाँ दोहराते हैं। तो ये जो एक ऑब्जेक्टिविटी अचीव करना और अपने काम को एक क्रिटिक की नज़र से देखना, और या दोस्तों को देना जो कि उसको क्रिटिसाइज़ करें, और उसको आप कितना ओपन है, यू हैव टू बी वेरी वेरी ओपन, यू हैव टू बी, देन ओनली यू कैन इवॉल्व इन राइटिंग, एंड इट्स द मोस्ट ड्यूबियस मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। राइटिंग इज, राइटिंग मेक्स और ब्रेक्स, यू कैन नेवर मेक बैड फिल्म आउट ऑफ गुड स्क्रिप्ट, बट यू कैन डेफिनेटली मेक ए बैड गुड फिल्म, यू कैन नॉट मेक ए गुड फिल्म आउट ऑफ बैड स्क्रिप्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Also in shock, we were up against some pretty good work and we were not expecting this at all. Anyone who would you would like to thank in particular is award given? Like I said, our producers Smriti and Bobby, Anuja, whose work I now believe that it has been acknowledged that we have remained faithful to the spirit of her book, and that's a really big compliment, because it's in an adaptation, you, that's one more thing to worry about, not betraying the material that you start out with. So thank you to her, thank you Habib, and thank you to our friends and family. It's been a very difficult time writing this show and they have been amazing. And more than that, I also want to thank the audience for receiving it the way that they did. And honestly, I'm really glad that this, we got the award, not just for us, but that, you know, yes, like light-hearted material that is getting made and on the, in the OTT space, it's really nice, and it's really nice to be accepted and not just dramatic works, but like the light-hearted material. Anything you'd like to say to the SWA committee, the organizers? I would honestly thank the SWA for
एक्साइटमेंट के साथ में इट्स सो डिफिकल्ट टू बी ऑन द स्टेज एंड बी एक्सपेक्टेड टू स्पीक समथिंग बट इट्स एक्साइटिंग इट्स रियली रियली सैटिस्फाइंग इफ आई मे यूज दैट वर्ड बड़ी खुशी होती है बड़ी मेहनत से काम करते हैं जब अप्रिसिएशन मिलता है और अपने लोगों से मिलता है इट फील्स रियली 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 आपने जब स्टार्ट किया था लिखना आपको लगा था कि एसडब्ल्यूए की तरफ से आपको ये अवार्ड मिलेगा या फिर ऐसे कोई एक्सपेक्टेड एक तो ये शो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लिखने के लिए इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक एक बेहद सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर में बना हुआ है और सबके लिए स्ट्रगल यही था कि इसको एक बहुत थिन लाइन है कि ये चीप ना लगे ये सही कैसे दिखाएं तो उसके ऊपर में करते 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 काम आई थिंक वी बीन एबल टू रीच मैनी मैनी पीपल इवन द वे द शो वॉज रिसीव इट वॉज रियली अमेजिंग दैट पीपल वर थैंकिंग अस फॉर मेकिंग अ शो लाइक दिस तो फीडबैक बहुत अच्छा रहा और उसकी खुशी बहुत लगी बहुत बहुत क्योंकि अपने रूम में बैठ के अपने लैपटॉप पे कहानी कह देना बहुत आसान होता है पर वो कहानी और लोगों तक पहुँचे और वो भी उसी तरीके से समझ पाए दैट्स सैटिस्फाइंग दैट्स व्हाट वी वर्क फॉर सो इट वाज रियली थैंक यू सो मच थैंक यू I can speak for myself. I was confident this is just special and this will get recognized. This is Grand is a very, very special story. जब लिख रहे होते हैं तब तो ये बहुत दूर की बात होती है पहले उससे पहले होता है कि पहले तो बने और बनने का प्रोसेस एक ऐसा होता है कि उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री होती है वो सारी केमिस्ट्री सारे फॉर्मूले एक साथ ठीक बैठे हैं सबका अच्छे काम हो फिर स्क्रीन पे जब आप देखते हैं हाँ जब हमने इसको स्क्रीन पर देखा उसके बाद से भी फिर हमें ये कि हाँ बहुत अच्छा शो बना है ये है ये नहीं पता था कि इसके लिए कोई अवार्ड मिलेगा या क्या होगा बट या एक अच्छा शो बनाया ये सोच के अपने आप में वो एक अवार्ड बहुत ही एक बहुत ही सराहनीय ये कदम है लेखकों के द्वारा लेखकों के लिए इस तरह का जब ये एक इनिशिएटिव है और इसमें और कोई मानदंड फिर होगा नहीं क्योंकि कहीं पे ग्लैमर है या कोई ये सिर्फ लेखकों के लिए तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही प्योर काइंड ऑफ अवार्ड है और हमें इसलिए और ज़्यादा खुशी है बिल्कुल मैं शारीन की बात से सहमत हूँ चौथा ऐसा अवार्ड है जिसमें लेखन के दम पर जिस तरह से पेपर पे पहले जिस तरह से लिख के आते हैं शो बन के आता है फिल्म बन के आता है टीवी शो बन के आता है वो उसके दम पर ही चुना जाता है और नॉमिनेशन के स्तर पर ही सबसे पहले तो वो जो पैमाना होता है वही अपने आप में बहुत खुला होता है तो सिर्फ डोमिनेट होना ही बहुत खास है और दूसरा ये भी कि इससे मुझे लगता है कि नए लेखकों को जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनको भी बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप में कम्युनिटी है जो एक दूसरे को सपोर्ट करती है एक दूसरे की सराहना करती है सेलिब्रेट करती है इस अवार्ड के जरिए तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं कि हम यहाँ हैं एक लेखक के तौर पर और अपनी इंडस्ट्री की थैंक यू बहुत साल न्यूज़ में रहे हैं हम दोनों बट वेल काफ़ी सरियल है पहली बात को विश्वास नहीं हो रहा कि दोनों कैटेगरीज स्टोरी और स्क्रीन प्ले में हमें अवार्ड मिला है क्योंकि जो नॉमिनेशंस थे जिस जो हमारे साथ थे वो बहुत ही दिग्गज राइटर्स हैं और उनके साथ नॉमिनेट होना ही बहुत बड़ी बात थी और अवार्ड जीतना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम इंडस्ट्री में बहुत नए आए राइटर्स हैं हम इतने भी पुराने नहीं हैं जितने दिग्गजों के साथ हैं बट वेरी प्राउड ऑफ द शो विच वी आर पार्ट ऑफ अगले की दुनिया ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो इनफैक्ट लेगेसी शो है ये और इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं जी डी मजीतिया सर आतिश कपाड़िया सर जयेश पाटिल सर इन तीनों के बिना ये संभव नहीं हो पाता ये बहुत ही कमाल की टीम है और हम उसका छोटा सा हिस्सा होना ही बहुत गर्व की बात है एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर माई वाइफ माई राइटिंग पार्टनर माई एवरीथिंग विदाउट हर सपोर्ट विदाउट नॉट सपोर्ट इट्स शी इज़ एवरीथिंग बेसिकली फॉर मी ये इट्स आई एम जस्ट कांट से आई डोंट हैव एनी मोर वर्ड्स सो प्लीज आपको भी कैसा लग रहा है सब वर्ड्स दैट यू लाइक टू से आई डोंट नो व्हाट आई से दैट ही हैजंट ऑलरेडी सेड बिफोर आई थिंक फॉर अ राइटर टू बी स्पीचलेस इज वेरी रेयर एंड आई थिंक दिस अवार्ड इज डन जस्ट दैट सो या आई थिंक दैट्स दैट यू नो
feel that writers have our back. Writers are acknowledging us. And as I said, we have learned from all these writers, from their work. You know, and they are our mentors, and we're getting the award from our mentors. And that's just one thing, see, writing is a very lonely profession. आप बहुत अकेले पड़ जाते हो, but SWA जैसी committee जब आपके साथ खड़ी होती है, they are recognizing your work, आपको limelight में ला रही है, ये एक writer के लिए बहुत बड़ी strength है. और SWA, मैं चाहता हूँ कि SWA के awards को और मान्यता मिले, और आने वाले सालों में हर writer का सपना हो कि SWA award उनको मिल रहा है. So thank you SWA, I am blessed to have won this award. Thank you so much. लिफ्ट में उन्होंने मुझे देख के कहा आप यहाँ क्या कर रही हैं. तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, कोई अच्छे रोल ही नहीं लिख रहा है, तो मैंने खुद लिखने शुरू कर दिए. उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, आपको यहाँ पर आने की परमिशन नहीं है क्योंकि आप एक्ट्रेस हैं, ये सिर्फ राइटर्स की जगह है. मैंने कहा मैं भी कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के बीच में टूटने की, और अगर आप लोगों की इजाज़त रही तो अपना काम लोगों तक पहुँचाऊँगी. और उनका प्यार है कि उन्होंने काफ़ी सहाया मुझे, और आज यहाँ तक कि यहाँ पहुँचा दिया जहाँ SWA मुझे मतलब एक अवार्ड से सम्मानित कर रहा है, इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती मेरे लिए. खुशी की anyone in particular जिसको आप थैंक यू कहना चाहेंगे? मैं सभी को थैंक यू कहना चाहूँगी, पर्टिकुलर तो कोई होता नहीं है. मुझे लगता है सबके मिल के ही एक चीज़ बनती है, और राइटिंग एसोसिएशन में इतने लोग इन्वॉल्व हैं जिन्होंने ज्यूरी ने ये चुना होगा, कुछ फिल्मों को चुना होगा. ऐसा नहीं है कि जो फिल्में चुनी गई हैं वही बेहतर बनी हैं, बाकी फिल्में नहीं बनी, बट हमें कुछ खास एक मैंशन देने होते हैं. तो मुझे चुना है इसके लिए तो मैं राइटर्स के लिए इतना एक अलग से एक दर्शन दिखाना ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि होता क्या है कि वो जो मेन अवार्ड्स होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत जल्दी मतलब सिर्फ स्टार्स और एक्टर्स जो मेन रह जाते हैं या डायरेक्टर रह जाते हैं, उससे पहले के सारे अवार्ड्स बहुत ऐसे निकल जाते हैं, आपके दिमाग से निकल जाते हैं. एक स्पेशल मेंशन करना राइटर्स को, ये मुझे लगता है सबसे अच्छा है, क्योंकि कुछ भी हम बनाएँ उसकी जड़